यूपी की राजधानी लखनऊ सहित तमाम जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही गुरुवार 16 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया था। राज्य में 17 और 18 सितंबर को कहीं हल्की से सामान्य तो कहीं बौछार पड़ने के आसार जताए गए। यूपी में बीते 24 घंटों में जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान खासतौर पर पूर्वी हिस्से में मूसलाधार बारिश हुई है। कई शहरों में जल भराव की समस्या भी देखी गई, साथ ही तेज बारिश के कारण हुए हादसों में कम से कम 38 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं राज्य में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अभी भी कई जिलों से लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। बेकाबू होते हालातों के बीच जहां एक तरफ नगर निगम की पोल खुल चुकी है, वहीं बारिश के बीच पुलिस थानों के हालात भी बदहाल दिखाई दिए हैं। पुलिस थानों की स्थिति पहले की तरह दयनीय दिखाई दी है। जिस तरह लगातार बारिश अपना कहर ढा रही है, वहां पर आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं 5 जगहों की जहां पर पुलिस थानों में जल भराव की समस्या देखी गई है। पहली तस्वीर लखनऊ पुलिस लाइन की है, वहीं दूसरी बस्ती की देख सकते हैं, तीसरी तस्वीर संत कबीर नगर के पुलिस थाने की है, वहीं चौथी तस्वीर लखनऊ के राजभवन की और पांचवी तस्वीर मऊ के पुलिस थाने की है। इन सभी तस्वीरों में एक ही चीज सामान्य है और वो है जल भराव की समस्या। लगातार पुलिस थानों की बदहाल स्थिति को लेकर खबरें दिखाई जाती है, बावजूद इसके अभी तक प्रशासन है जो सोता ही दिखाई दे रहा है। लगातार ऐसी खबरें सामने आने के बाद भी अभी भी पुलिसकर्मी सुरक्षा के तहत नहीं देखे जा रहे, लगातार हादसे सामने आते हैं बावजूद इसके। ऐसे में जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, चाहे वो पुलिस थाने हो या फिर आम सड़कें, जिस तरह से इस वक्त नगर निगम अपना काम करता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इस वक्त नगर निगम के सभी कर्मी सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे में मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूं, जिस तरह से बीते दिन से देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, ऐसे में 3 दिन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? देखिए अनुष्का, बीते 24 घंटे के अंदर जो देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा भयावह था उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 24 घंटे लगातार बारिश हुई थी और इस 24 घंटे की लगातार बारिश के कारण न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिले प्रभावित रहे थे और उसमें भारी नुकसान हुआ था। 38 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है, जिसमें जाने लोगों की गई हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तमाम बड़ी चीज़ें ये कही जा सकती है कि हर वक्त देखने को मिलती है कि नगर निगम की लापरवाही, साफ तौर से इसके नगर निगम की लापरवाही बहुत ज़्यादा कही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ नगर निगम के PWD विभाग, जिला प्रशासन विभाग, ये तमाम विभाग सहभागिता के होते हैं और इनके अगर कोऑर्डिनेशन आपस में ना हो तो ये इस तरीके की तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है। कहीं आपने अगर देखा होगा कि मकान एक तरीके से पानी में तब्दील हो गया है, कहीं आपने नाली देखी होगी कि कितनी ज़्यादा भर गई है, कहीं नालों से ज़्यादा पानी होकर के सड़क पर आ गया था और सड़क पर जो गाड़ियाँ थी वो वहीं पर रफ्तार उनकी थम गई थी। इसकी कारण सीधा सीधा यही है कि नगर निगम, PWD और जिला प्रशासन अगर एक साथ होकर के काम नहीं करेगा तो इस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आमतौर पर हर साल को देखने को मिलती है। और शायद उसी का कारण रहा कि ना सिर्फ घरों में और ना सिर्फ सड़कों में बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को भी इसमें खाता बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि थानों के अंदर, कार्यालयों के अंदर और पुलिस लाइन के अंदर तमाम जगह पानी भर गया था और जो फरियादी थे, जो अपनी शिकायत लेकर के आए थे, वो थाने के अंदर नहीं जा सकते थे। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को इस बात का संज्ञान लेना होगा और ये कहा जाए कि पुलिस निगम निर्माण विभाग का एक जो होता है, जो पुलिस भवन का निर्माण करता है, उसको अपनी बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए DGP के माध्यम से कि जो भवनों का और जो थानों का निर्माण है उसका सही तरीके से उपचार किया जाए, ताकि उन थानों को ऊपरी हिस्से से लाया जाए। अगर बरसात होती भी है बहुत ज्यादा, अगर 24 घंटे की बरसात होती है, तो ऐसे में कोई फरियादी है जो थाने के अंदर आना चाहे तो उसको नदी जैसा पड़ाव ना पार करना पड़े। समान तरीके की जो समस्याएं हैं वो आने वाले समय भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट ये उत्तर प्रदेश के अंदर जारी किया गया है और लखनऊ के साथ साथ सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, तमाम ऐसे और जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है। तो अभी भी लोगों से इस बात की उम्मीद की जा रही है और ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जरूरी होने पर ही वो घरों से बाहर निकले। बिजली विभाग को साफ तौर से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके का तार टूटा हुआ कहीं पर ना मिले, किसी भी तरीके का करंट पानी में उतरता ना हुए, क्योंकि बीते 24 घंटे में जो
338 मौतें हुई हैं, वो ज्यादातर मौतें लोगों की पानी में डूबने से हुई हैं। लोग कुछ लोग करंट की चपेट में आ गए, जो खंभे उससे चिपक गए, जहां खंभे जो थे वो 24 घंटे के जो बारिश हुई थी उसमें क्षतिग्रस्त हो गए, उनमें जो करंट था वो पानी में उतर आया और वहां पर पानी में जो बच्चे खेल रहे थे या युवक जो सड़क को पार कर रहे थे पानी में होते वो चिपक करके मर गए। तो तमाम विभागों को आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए सरकार ने कहा है कि वो बरसात के इस दौर में ये जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन रखे और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे। अब आने वाले 3 दिनों के अंदर किस तरीके की बारिश होती है और पब्लिक और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कितना नुकसान होता है ये भविष्य तय करेगा। लेकिन साफ तौर से जिला प्रशासन को एक चीज देखनी होगी कि अगर इस तरीके के इंतजाम अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके पास ए के अलावा बी और सी प्लान क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है कई घंटों की ना छोड़ करके 24 घंटे की, तो ऐसे में 24 घंटे अगर बारिश होती है तो उस पानी की निकासी कैसे की जाए। नगर निगम के साथ विभाग के साथ बैठक उनको करनी होगी, लेकिन अभी जो बीते 24 घंटे में देखने को मिला है और उसके बाद से जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो बैठक का दौर अभी भी शुरू नहीं कर पाए हैं। ऐसे आने वाले अगर 3 दिनों में इस तरीके की बारिश अगर होगी तो किस तरीके की स्थिति होगी ये भगवान भरोसा ही है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया और ये कहा है कि इस तरीके की दोबारा तस्वीरें देखने को ना मिले जो बीते उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में देखने को मिली। जी शिवा, जिस तरह से हमने लगातार तस्वीरें देखी है, कल से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहाँ भारी बारिश के कारण जल भराव की समस्या हर जिले में दिखाई दी है। ऐसे में जिस तरह से जल भराव की समस्या दिखाई दी उसको लेकर सीधे सीधे कहीं ना कहीं नगर निगम को हम लोग कटघरे में ले सकते हैं। ऐसे में जो दूसरी तस्वीरें पुलिस थानों की दिखाई दी हैं, पुलिस थाने जिसके पुलिस लगातार लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने चाहिए वो आज खुद थानों के अंदर बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। जिस तरह से जल भराव की समस्या थी ऐसे में पुलिस कर्मियों की भी जान को खतरा था, तो इन सभी मामलों को लेकर हम सीधे तौर पर किसको दोषी मान सकते हैं? देखिए, ये तो एक ये कहा जाएगा कि जो आपदा है वो बहुत ही प्राकृतिक है और इसके में बहुत ज़्यादा दोषी किसी को नहीं कहा जा सकता। खास तौर पे पुलिस निर्माण विभाग जो है, जो पुलिस हेडक्वार्टर में होता है और वो सीधे सीधे थानों की और उनके आवास की निर्माण की जो पूरा काम होता है वो उनका जिम्मा होता है। अगर हर साल इसी तरीके की थानों के अंदर और पुलिस लाइन के अंदर तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं उस विभाग को सक्रिय होना पड़ेगा, उनको एक अपना प्लान देना पड़ेगा कि इस तरीके से थानों का निर्माण या उसमें किस तरीके का जो कार्य होना चाहिए ताकि पानी अगर भरे ना, क्योंकि खासतौर पर पुलिस एक ऐसी रिस्पांस टीम है जिसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ऐसे में अगर इस तरीके का जलभराव थाने के अंदर हो जाएगा, उनके ऑफिसेस के अंदर हो पाएगा, तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मुसीबत जरूर खड़ी होगी कि इस पानी से होकर के वो बाहर अपनी सेवा कैसे दे सके पब्लिक को। तो जरूर एक पुलिस निर्माण विभाग जो है इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन पर पुलिस के अफसर एक बहुत अच्छी मीटिंग लेकर के ये तमाम उनसे जो चीजें हैं उससे सहयोग मांगा जाए कि किस तरीके से इस तरीके की तस्वीरें दोबारा ना देखने को मिले। एक दूसरी बात जरूर कही जाएगी कि सरकार को उसके लिए फंड एक जारी करना होगा, क्योंकि तमाम जो चीजें होती है वो फंड के ऊपर ही निर्भर होती है कि फंड मिलेगा तब जाकर के चीजें सही होंगी। तो एक सरकार को भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर हम टेलीविजन के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के साथ समन्वय बैठक करके उनको इस बात का भी हल निकालना होगा कि रिस्पॉन्स टीम को बेहतर और जल्दी व्यवस्था करने के लिए इस तरीके से उनको जो पार करके अपने थाने के पानी को जाना पड़ता है बाहर जाकर के, ये तस्वीरें दोबारा ना देखने को मिले। तो सरकार को और पुलिस विभाग के बड़े अफसरों को इस बात को समझने का बहुत प्रयास करना होगा कि ये जो पानी जो थानों के अंदर जा रहा है, जो रिस्पॉन्स टीम के आगे अगर आड़े आ रहा है तो उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हम आपको खबर दिखा रहे थे जहां पर लगातार बारिश का कहर अब पुलिस थानों में भी देखने को मिल रहा है। 5 तस्वीरें आप पुलिस थानों की देख सकते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। लखनऊ पुलिस लाइन, लखनऊ का राजभवन, बस्ती, संत कबीर नगर और मऊ जिले की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर पुलिस विभाग में जिस तरह की लापरवाही इस वक्त बढ़ती जा रही है, इसके बाद पुलिसकर्मी अपने आप को सुरक्षित महसूस थाने में कैसे करेंगे। लगातार जल भराव की समस्याएं भी देखने को मिल रही थी, बावजूद इसके जिस तरह से पुलिस चौकियों को लेकर, थानों को लेकर लगातार खबरें देख रहे थे जहां पर जर्जर भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बावजूद इसके स्थिति भी अभी काफी बदली नहीं दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली है और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।